हर किस्म के फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन आज का सॉफ्टवेयर है हमारा एम एस एक्सल सॉफ्टवेयर टॉपिक नंबर है हमारा आज का सिक्स जिसमें हम बनाना सीखेंगे अटेंडेंस शीट अटेंडेंस शीट किस तरह बनती है आपने एक्सेल के अंदर किस तरह डिजाइन करनी है एक्सेल में अटेंडेंस शीट सबसे पहले हम अटेंडेंस शीट को डिज़ाइन करेंगे सिंपल जैसे आप सेवन डेज की बनाना चाह रहे हैं मंथ की बनाना चाह रहे हैं वो आप पे डिपेंड है कि आप कितने दिन की बनाना चाह रहे हैं जैसे हमने सेवन डेज की बनाई है यहाँ पर शीट तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है टोटल डेज आपके पास यहाँ पर एबसेंट डीज प्रेजेंट हाफ डे जितने भी आपके पास लीव है आपने वो सारी पहले आपने डेज के अंदर शो करानी है सबसे पहले आपके पास डेज कितने जैसे हमने सेवन डेज बनाई है सेवन डेज की बनाई तो हमें पहले डेज टोटल करने कि कितने हमारे पास डेज हैं तो सबसे पहले हम टोटल डेज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल लिखेंगे काउंट ए काउंट ए लिखा आपने ब्रैकेट ओपन करेंगे आपने सारी फर्स्ट अटेंडेंस पूरी सेलेक्ट किया आपने उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये आपके टोटल डेज क्या कर देगा शो कर देगा फर्स्ट रो के अब आपने एबसेंडीज की मालूम करनी की कि इस स्टूडेंट की इस रो के अंदर सेवन डेज के अंदर कितनी एबसेंडीज हैं इक्वल लिखेंगे काउंट ए लिखेंगे काउंट एफ ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से प्रजेंट सेलेक्ट करेंगे टोटल अटेंडेंस कॉमा कॉमा लगा के आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है लिखना है ए टाइप करना है उसके बाद कॉमा क्लोज करेंगे ब्रैकेट क्लोज एंटर अब यहाँ पर आपके पास ज़ीरो है जीरो क्यों आया यहाँ पर हमारे पास ए, जो हमारे पास अटेंडेंस है जो हमने सिलेक्शन किए उसके अंदर कोई भी एब्सेंट नहीं है तो हमारे पास ज़ीरो आया है अब हमें प्रेजेंट्स मालूम करनी कि हमारे पास प्रेजेंट्स डेज कितने हैं। इक्वल लिखेंगे इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ से अटेंडेंस सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉमा लगा के कॉमा प्रेजेंट का पी शो करेंगे कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर इसी तरह आपने लीव भी मालूम करनी है अब यहाँ पर हमारे पास सिक्स प्रेजेंट डेज हैं तो हमने हमारे पास सिक्स खुद बहुत शो हो जाएंगे उसके बाद अब आपने लीव शो करनी है इक्वल count if bracket open select all attenders comma invert comma leaf ka L show karenge invert comma close bracket close enter अब half day हैं आपके पास कितने half आपने seven days के अंदर कितने half day लिया हैं equal to count if bracket open यहाँ से अटेंडर सेलेक्ट करेंगे कॉमा लगा के इनवर्ट कॉमा एच डी इनवर्ट कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर अब यहाँ पर हमारे पास एक हाफ डे है सेवन डेज के अंदर हमने दिया हुआ है एक हाफ डे तो हमारे पास यहाँ वन खुद ब खुद शो हो जाएगा अब हमारे पास बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके टोटल एबसेंटीज या डेज वो किस तरह लेकर आएंगे आप यहाँ पर आपने फर्स्ट पे फॉर्मूला पुट किया अब वही फॉर्मला हम सब में कॉपी पेस्ट कर देंगे आपने जिस पे फॉर्मूला पुट किया है उसी के साथ बाकी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे तो वो क्या कर देगा सबका फॉर्मूला कॉपी करके आपको डाउन साइड आंसर शो करेगा तो आज का टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट इसी तरह आपने इस पर बॉर्डर वगैरह अप्लाई करना है आपने इस हेडिंग को सिलेक्ट किया बॉटम बॉर्डर के अंदर जाके आपने इस पर थिक बॉर्डर अप्लाई कर दिया ऑल शीट को सिलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई करेंगे इसी तरह आपने यहाँ पर जो आपके पास मेन हेडिंग है उस पर आपने कोई भी लाइट कलर शो कर दिया इस तरह प्रीव्यू चेक करेंगे हम किसे कंट्रोल एफ टू से ये हमारे पास प्रीव्यू आएगा दोबारा बैक एक्सेल की शीट पे जाने के लिए प्रेस करेंगे स्केप स्केप हमने प्रेस किया तो टॉपिक हो गया आज का हमारा कंप्लीट जिसमें हमने बनाना सीखी स्टूडेंट अटेंडेंस शीट स्टूडेंट की अटेंडेंस शीट किस तरह डिजाइन होती है मजीद फ्री लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल साहिल ऑर्गेनाइजेशन थैंक यू